किसने बनाया? किसने मना करा? वार्निंग दे रहा मेरे को, मेरी दुकान चलाना है। क्या बोल रहा है? बस मुसलमानों को किसने नहीं मना करना मेरे को? कुछ मुस्लिम औरतां नूं सब्जी वेचण तों इनकार करदे इस सब्जी वेचण वाले दी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल है। वीडियो मध्य प्रदेश दे इंदौर दी दसी जा रही है। एक महल्ले विच सब्जियां ते समान वेचण दी दुकान ते जदों कुछ मुस्लिम औरतां पहुंचियां तां सब्जी वेचण वाले ने समान देण तों साफ तौर ते मना कर दिता। वीडियो विच साफ तौर ते नजर आ रहा है कि कुछ मुस्लिम औरतां उस तों सब्जी दा रेट पुछदियां हन, सब्जी देण लई कहिंदियां हन, पर उस तों साफ मना कर दिंदा है अते कहिंदा है कि उह मुस्लिम नूं सब्जी समान वेचेगा। वीडियो बना रहे शख्स नूं मुखातिब हुंदिया उह कहिंदा है कि उन्हां लई इह सब्जी नहीं है, जिसने शिकायत करनी है कर लवो, जिथे मर्जी केस दर्ज करवाउणा है करवा लवो। हालांकि उन्हां वल्लों इह दलील देण उपर कि उह किस आधार ते मना कर रहा है तां उह शख्स अपना मास्क उतार रोहब नाल खड़ा हो जांदा है कि उह उसदा अपना फैसला है, किसी भी मुस्लिम नूं उह कुछ भी नहीं देवेगा। नहीं नहीं तो किसने बनाया? किसने मना करा? वार्निंग दे रहा मेरे को, मेरी दुकान चलाना है। क्या बोल रहा है? बस मुसलमानों को मतलब मुसलमानों को सब्जी नहीं देना, मुसलमानों को नहीं देना, मुसलमानों का मना कर रहे हो, मुसलमानों को नहीं देने की बात नहीं कर रहा। आपने क्या बोला कि मुसलमानों को सब्जी नहीं दे दिया? ये वीडियो सोशल मीडिया से घूम रही है। प्रशासन ते पुलिस नूं इह वीडियो टैग कीती गई है, पर हाले तक पुलिस ने इस ते कोई कार्रवाई नहीं कीती। वीडियो विच लोकैलिटी अते व्हीकल दी लाइसेंस प्लेट साफ नजर आ रही है, पर इह प्रशासन नूं हुण तक नजर क्यों नहीं आई, इह वड्डा सवाल है। कुछ सोशल मीडिया यूजर भी तस्दीक कर रहे हन कि वीडियो इंदौर दे मवाती महल्ला दी है। सोशल मीडिया ते लोकां दा कहना है कि सब्जी विक्रेता दा इह रवैया धार्मिक द्वेष वधाउण वाला है, साडे संवैधानिक कदरां कीमतां दे बिल्कुल खिलाफ है, उसे मानसिकता नाल ग्रस्त है, जिहो जिहा जहर साडा मीडिया ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਲਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ओवरसीज एजुकेशन ते इमीग्रेशन कंपनी हैगी है, सानू 35 साल का एक्सपीरियंस है। असी बच्चों उन्होंने प्रोग्राम सिलेक्शन ते स्कॉलरशिप्स विच हेल्प करने हैं। असी बच्चों अप टू 50 लाख तक स्कॉलरशिप्स लैके दित्तियां हुई ने। असी बच्चों के वीज़ा एल ओ आर एस ओ पी हेल्प करने हैं, तो पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज विच एयरपोर्ट पिकअप ते उन्हां दी टेंपरेरी अकोमोडेशन दा इंतजाम भी करने हां। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।